ये तस्वीरें जींद की है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग घर से खुद की चारपाई लाने को मजबूर हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अस्पतालों में बेड न मिलने पर बेबस मरीज घरों से खुद की चारपाई और फोल्डिंग बेड लाकर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर है। हालात बद से भी ज्यादा बदतर होते नजर आ रहे हैं। आपने अक्सर बुजुर्गों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि कलयुग का अंतिम चरण आने वाला है। इन तस्वीरों को देखकर शायद बुजुर्गों की बात सच होती नजर आ रही है। लाचार मरीज कहां जाए, किससे गुहार लगाए? यूं तो सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आइए इन मरीजों का दर्द आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। के लिए आपको बेड की सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली हमने। क्या कह रहे हैं? बेड की सुविधा नहीं मिली मैं। बताना एक बार। बेड खाली तो आप अपने घरों से लेके आ रहे हैं? हाँ। ये खाट आप अपने घर से लेके आ रहे हैं? हाँ। कितने मरीज है जो अपने खाट लेके आ रहे हैं? सारे बगैर रूम पर पड़े हैं। तो देखा आपने कि कैसे लोग इलाज करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मरीज घरों से चारपाई और फोल्डिंग बेड ला रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में इलाज करवा रहे कुछ कोरोना मरीज स्ट्रेचर पर है तो कुछ लोग जमीन पर गद्दे डालकर ही इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में जींद के सरकारी अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि सभी बेड मरीजों से फुल हो गए हैं, इसके बावजूद भी मरीज लगातार आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में जितने बेड है उससे ज्यादा मरीज है, इसके बावजूद हम उनको दाखिल कर रहे हैं। हमारे का भयंकर रूप अभी तो चालू है। हॉस्पिटल के सारे बेड फुल हैं, पेशेंट काफ़ी सीरियस अवस्था में दाखिल हैं और लगातार पेशेंटों की आवाजाही चालू है। बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, परंतु फिर भी हम जितना हो सकते सभी को एडमिट कर रहे हैं। किसी तरह की ऑक्सीजन की दवाइयों की कोई कमी नहीं है, सभी पेशेंटों को ऑक्सीजन दी जा रही है। बेड हालांकि हमारे पास 150 ही हैं, लेकिन पेशेंट हमारे पास 170 के करीब हैं, तो हमने 3-सीटर चेयर या एक्स्ट्रा बेड लगवा के कैजुअलिटी के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कोशिश है कि सब पेशेंट जो भी आए उसको ऑक्सीजन जरूर मिले, दवाई ज़रूर मिले, परंतु फिर भी इतनी बड़ी महामारी में कई बार संभव नहीं हो पाता कि हर पेशेंट आते ही अटेंड हो जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी पेशेंट को 5 से 7 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगे और कम से कम कोई पेशेंट परेशान ना हो कैजुअलिटी में आके। हम ऊपर जो पेशेंट हैं उनको भी जो ठीक है उनको डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऊपर जा सके। हालांकि कुछ पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर घर नहीं जाना चाहते क्योंकि वो उनको लगता है कि बाद में शायद बेड ना मिलेगा, तो ये भी एक समस्या है। लेकिन फिर भी हम पेशेंटों को जितना भी हो सकता है, फिलहाल हमने लगभग हमारी कैपेसिटी से भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट कैजुअलिटी में रखे हुए हैं और डॉक्टर हमारे दिन रात काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्सें बहुत काम कर रही हैं, इसके बावजूद भी निश्चित रूप से थोड़ी सी अव्यवस्था है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से आप देख ही रहे हैं कि हम सब पेशेंटों को ट्रीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेशेंट ज़्यादा है तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। मरीजों की संख्या बढ़ते देख अस्पताल प्रशासन का ये भी कहना है कि लोगों को चाहिए कि जो लोग जींद से संबंध रखते हैं वो ही मरीज जींद आए, जो लोग अन्य क्षेत्रों से है वे अपने अपने क्षेत्रों के अस्पतालों में दाखिल हो, जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए वे बिना अस्पताल आए पोर्टल पर ही अप्लाई करें। आपको बता दें कि जींद जिला में एक नागरिक अस्पताल के अलावा 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 15 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। इसके अलावा जिला के 8 प्राइवेट अस्पतालों को कोविड इलाज की परमिशन दी गई है। इसके बावजूद भी कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या सरकारी अस्पतालों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।